सावन पूर्णिमा पर पूरे 621 साल बाद बने अद्भुत संयोग। पुरानी झाड़ू से करें के आसान सा उपाय, आपके पितर करेंगे आपको माला माल। जीवन की सभी परेशानियां होंगी दूर, सभी कष्टों दोषों और दुखों से मिलेगी मुक्ति। माँ लक्ष्मी की कृपा से रोड़पति भी हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान शिव के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव माँ पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन अलग अलग तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से जातक के जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान हो जाता है और जीवन सुखमय बनता है। अगर किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हो तो सावन पूर्णिमा के दिन स्नान के जल में गंगा जल डालकर उससे स्नान अवश्य ही करें। ऐसा करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष तो दूर होता ही है, साथ ही सभी तरह के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप राहु केतु के दोषों से पीड़ित हैं, किसी भी ग्रह दोष से पीड़ित हैं या काल सब दोष आपको सता रहा है तो इस दिन भगवान शिव की शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से समस्त ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। सावन पूर्णिमा भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आसपास भी नहीं टिकती और अपार धन का लाभ होता है। तिजोरी हमेशा भरी रहती है। एकाक्षी नारियल ना मिले तो आप पानी वाला एक जटा वाला नारियल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस दिन लहसुन प्याज मांस मदरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए और किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें। जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डालें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद भी 21 बार आप ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने के बाद पितृदेव को प्रणाम करें। अपनी सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग के कपड़े पर आप 11 कौड़ियाँ रखें। अब माँ लक्ष्मी का पूजन करें और फिर माँ लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें या अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। मान्यता है जहाँ कौड़ी होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव पास करती हैं। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है और दरिद्रता को दूर करती है।
पूर्णिमा की रात को झाड़ू का ये आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। अब आप एक नई झाड़ू लें या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को लेकर आप कपड़े से पोंछकर साफ कर दें। इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आप ऐसी झाड़ू ना लें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जो झाड़ू बेकार हो गई है। आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या बाद में करेंगे। झाड़ू की पूजा करने के लिए झाड़ू के हैंडल पर आप कलापे से 3 लपेट लगाएं और 1 गांठ बांधें। इसके बाद आप झाड़ू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर अपने हाथ में एक पुष्प लें, थोड़े से साबुत चावल लें, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लें। अब माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जय माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए आप यह पुष्प झाड़ू पर चढ़ाएं। थोड़ी सी साबुत चावल, हल्दी कुमकुम लें और अगर पुष्प हो तो पुष्प भी लें। अब आप हल्दी कुमकुम चावल और पुष्प को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। आप एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की भी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, झाड़ू ऐसे स्थान पर रखी है जहाँ रात में आपकी निगाह पड़ेगी, तो आप उस झाड़ू पर रात में कोई कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को ये आसान सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि सौभाग्य का वास होता है। अगर आप धन धान्य की कामना रखते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि एक का भी पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। खीर माँ लक्ष्मी को अत्यधि प्रिय है। पूर्णिमा के दिन केसर की खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। फिर इसके पश्चात यह खीर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मखाना, सिंघारा, नारियल, सफेद बर्फी और अक्षत जरूर ही अर्पित करें। आप चाहते हैं कि धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बास करें तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें, घर में लड़ाई झगड़े ना करें, बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई गलत कार्य होता है या गंदगी होती है, बड़ों का अपमान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी बास नहीं करती। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। परिवार में सुख सौभाग्य के लिए और रोग और संकट दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन एवं सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होगी, रोग और संकट दूर रहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम एम क्लिम सौमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन ये आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।